रहमान रहीम। मैं जो आपको जी मैं चाहता हूँ सिर्फ दो चार मिनट आप लोग मेरी बात सुन लें, और अगर खामोशी होगी तो हमें जरा आसानी रहेगी। थोड़ा सा भाई जी, मेरी गुजारिश सिर्फ दो चार लफ्ज हैं, थोड़ी सी देर के लिए खामोशी से सुन लें, क्योंकि आप लोग पाकिस्तान का एक पढ़ा लिखा तबका है। जब आपको हर तरफ से मायूसी होती है तो फिर आप पढ़े लिखे लोगों की तरफ देखते हैं, फिर आप देखते हैं उस तबके की तरफ जिसका शऊर ज्यादा होता है। मुझे याद है मैं रिपोर्टर था, बिल्कुल रिपोर्टिंग करता था, फील्ड में ट्रेनिंग रिपोर्टर था। उस वक्त बुकला तहरीक चल रही थी, या मैंने आप लोगों को उस वक्त ऐसा देखा या आज देखा, उस वक्त पाकिस्तान को बाद में समझ आई थी, बुकला को पहले समझ आई थी। आज भी बुकला को ज्यादा समझ आई और पाकिस्तान भी समझ गया। जिंदा है, 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 जिंदा है। थैंक यू। मैं सिर्फ चंद हकायक आपके सामने रख देता हूं। ये पाकिस्तान की एस्टेब्लिशमेंट के पास के हकायक मौजूद हैं। पाकिस्तान के इदारे इस बात को जानते हैं, कोई इस बात को छुटला नहीं सकता। भाई गौर से सुनिएगा, सुन लो सुन लो, मैं सिर्फ सात चीजें आपके सामने फौरन रख देता हूं। अमेरिका पाकिस्तान से क्या चाहता था, सात चीजें। अब बैठे कश्मीर को भूल